हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। यद्यपि दोस्तों ये टॉपिक UGC के सिलेबस में तो नहीं डायरेक्टली नहीं शामिल है, कभी कभी इनडायरेक्टली भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन UG और PG के सिलेबस में इसे शामिल किया जाता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वैसे तो ये थॉट का टॉपिक, मतलब थॉट में इसको रखा जाता है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि ये पूरी जियोग्राफी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जियोग्राफी इज़ एन इंटर डिसिप्लिनरी साइंस, भूगोल एक अंतर विषय विज्ञान है, ये डिफाइन करने के लिए आपसे कहा जाता है। लॉन्ग आंसर में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। तो चलिए, बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने चार्ट है, ठीक है। अब आपको इसी चार्ट को समझना है। अंतर विषय विज्ञान का मतलब ये होता है कि भूगोल की जो कह सकते हैं संबंध है वो अन्य विषयों से हैं, भूगोल अन्य विषयों से जुड़ा हुआ है। अब इसी चीज़ को आपको डिफाइन करना है। अगर आप इसको रटने का प्रयास करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे तो आसानी से आपको ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले इसका दो भागों में डिवीज़न होता है जियोग्राफी का, फिजिकल और ह्यूमन। ह्यूमन की ढेर सारी ब्रांचेज हैं जो कि आप देख रहे हैं, फिजिकल की भी ब्रांचेज हैं। अब अलग अलग हमारे जो भी ब्रांचेज हैं उनके जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट से लिए गए हैं। जैसे इकोनॉमिक जियोग्राफी, तो इकोनॉमिक जियोग्राफी जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उसी इकोनॉमिक्स से बना है इकोनॉमिक जियोग्राफी, और फिर इकोनॉमिक जियोग्राफी से फिर आगे रिसोर्स जियोग्राफी, एग्रीकल्चरल जियोग्राफी, इंडस्ट्रियल जियोग्राफी और ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी, ये सब इसी के पार्ट्स हैं। इसी के साथ आपका एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र, रेसियल जियोग्राफी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है, प्रजाति भूगोल उसी से जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकल जियोग्राफी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। सोशल जियोग्राफी भी कहीं ना कहीं आपका सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। हिस्टोरिकल जियोग्राफी कहीं ना कहीं किस चीज़ से जुड़ा है, हिस्टोरिकल जियोग्राफी आपका जुड़ा हुआ है हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो ये बस मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। और अगर हम फिज़िकल वाले में आएँ, जो हमारा फिज़िकल जियोग्राफी है, तो उसमें जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी है वो मटेरियोलॉजी से रिलेटेड है, जियोमॉर्फोलॉजी जियोलॉजी से रिलेटेड है, और इन्वायरमेंटल जियोग्राफी में बॉटनी की कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से ये जो पूरी चीज़ आपने अभी तक देखी, अब इसमें जब आप इन्वायरमेंटल जियोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ढेर सारी चीज़ें बॉटनी अर्थात जो हमारा वनस्पति शास्त्र होता है उसकी मिलेंगी आपको, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इससे एक चीज़ यहाँ पे साफ नज़र आ रही है कि जियोग्राफी की जो ब्रांचेज हैं, अब ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक जियोग्राफी में है। इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जियोग्राफी में उसको एक परिवर्तित करके कुछ चीज़ों को उसमें से लेके इसकी एक ब्रांच बनी है। तो ये नहीं कहना है कि पूरी की पूरी सोशियोलॉजी ही सोशल जियोग्राफी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है, बस इतना। क्योंकि अब इकोनॉमिक्स में मनुष्य को ध्यान में रख के तो टॉपिक्स है नहीं, इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मनुष्य को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों के बारे में बात करना, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक जियोग्राफी में होती हैं। और फिर इसकी भी ढेर सारी ब्रांचेस हैं, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, रिसोर्स। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जियोग्राफी की जो हमारी ब्रांचेज हैं उसके जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट से लिए गए हैं। और इससे ये साफ पता चल रहा है कि जो हमारा जियोग्राफी है वो एक अंतर विषयी विज्ञान है, एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। बस अब आपको करना क्या है, ये जो सामने आपके चार्ट है इस चार्ट को आपको बनाना पड़ेगा। और जो बातें यहाँ पे बताई गई हैं, बहुत सारी बातें जो मैंने बताई वो इस चार्ट में नहीं है। इस चार्ट में तो बस एक प्रकार का डिवीज़न आपको दिखाया गया है, तो ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, इस प्रकार का आप बना सकते हैं। इसी के साथ अभी यहाँ पर आप एक सर्कल वाला डायग्राम देख रहे हैं, इसको भी आप चाहें तो बना सकते हैं।
जो भी हम लोगों ने अभी तक बात की है वही सारी बातें इन चार्ट में और ये डायग्राम में बताई गई हैं, बस और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इस टॉपिक में आप लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए दोस्तों आपको वैसे तो इस पर शॉर्ट आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो अगर शॉर्ट आएगा 50 शब्दों का आएगा तब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना ऑलरेडी समझ चुके हैं, दो दो फिगर हम लोग देख चुके हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर लॉन्ग आता है तो आपको थोड़ा सा इसमें दोनों, जैसे चार्ट को भी बना दीजिए, जो सर्कल वाला है उसको भी बना दीजिए, और इसके बाद आप अच्छे से डिफाइन कर दीजिए। वहाँ पर आपको फिज़िकल ज्योग्राफी की जो आपकी ब्रांचेज हैं अलग अलग, उसको लेके चलना पड़ेगा, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा, और इसी के साथ जो आपका ह्यूमन वाले में आपको अच्छे से बताना पड़ेगा। जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो आपका हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये सब आपको अलग अलग हेडिंग डाल के सबका बताना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका इस टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। मेरा बस मुख्य उद्देश्य यही था, क्योंकि अब इसको हम पूरा एक एक ब्रांच लेके बताने लगेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। मेरा बस यही उद्देश्य था कि मैं एक छोटा सा लेक्चर इस पर अपलोड करूं, जिससे बहुत सारे लोग इसका जो मेन कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, और इसको समझने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक बहुत ही सरल लग, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जानते ही हैं। अब सोशल ज्योग्राफी सोशोलॉजी से जुड़ा हुआ है या पॉलिटिकल ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है, ये बातें आप लोग जानते हैं, बस एक बार आप लोगों को हिंट देना था। तो बस इसमें दोस्तों इस फिलहाल इस अध्याय में इतना ही, इसको हम यही समाप्त करते हैं। छोटा सा टॉपिक है तो छोटा सा वीडियो भी रहेगा, ज़्यादा लंबा करने का इसको कोई भी मतलब नहीं है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक में या ज्योग्राफी के किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थॉट का पूरा जो है इस UGC का ऑलमोस्ट 99% सिलेबस कंप्लीट है, बाकी सेटलमेंट पॉपुलेशन और फिज़िकल में भी काम हो रहा है, लेकिन थॉट मैंने सबसे पहले समाप्त किया, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ही बड़ा था और थॉट UGC की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो आप लोग उसको देखिए एक बार पूरा अच्छे से। मुझे उम्मीद है कि UGC में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पेशली थॉट में, थॉट के सिलेबस के लिए। तो फिलहाल इस अध्याय में दोस्तों इतना ही, और अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स।